प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। चिराग पासवान की सभा में भीड़ जुटाने के लिए पैसा बांट रही गुंजन झा चढ़ी पुलिस के हत्थे। भागलपुर में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसों के बल पर सैंडविच कंपाउंड में चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। इस मामले में बबरगंज थाने की पुलिस ने जनसभा में आए लोगों को पैसा बांट रही सूर्यलोक कॉलोनी निवासी शशिनाथ झा की पत्नी गुंजन झा को रंगे हाथों दबोच लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से 6,400 रुपये नगद भी बरामद किए हैं। हालांकि आरोपी महिला को थाना स्तर से बेल भी मिल गई है। इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही सिटी एसपी ने जांच के उपरांत सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। स्थानीय लोगों ने पैसा बांटने की पुलिस को दी थी सूचना। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को फोन पर गुंजन झा के द्वारा पैसे बांटने की गोपनीय जानकारी दी थी, जिसके पश्चात मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बबरगंज थाने की पुलिस और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गुंजन झा को गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर बबरगंज थाने में हुआ था मामला दर्ज। इस कड़ी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गुंजन झा के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के बयान पर बबरगंज थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह विरोधियों की साजिश है। पैसा बांटना लोजपा प्रत्याशी का संस्कार, इस पर लोकतंत्र की हत्या करने का मामला दर्ज हो, अजीत शर्मा का कहना। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा की शह पर पैसा बांटने के मामले में विधायक कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पैसा बांटकर लोगों को दिग्भ्रमित करना लोजपा प्रत्याशियों का संस्कार रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में लोजपा प्रत्याशी पर लोकतंत्र की हत्या करने का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर लोजपा प्रत्याशी को ज्यादा पैसे हैं उनके पास, तो इन पैसों से गरीबों की मदद करें और उनके बीच पैसे बांटने का काम करें। इस तरह की घिनौनी करतूत भागलपुर की जनता का राजेश वर्मा ने खुले दिल से अपमान किया है। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर जगदीशपुर के अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने आदर्श आचार संहिता के 2 अन्य मामले भी दर्ज करवाए हैं। अंचलाधिकारियों की माने तो डीवीसी कॉलोनी कार्यालय में हनुमान मंदिर और मेडिकल कॉलेज की दीवार पर लोजपा का बैनर और पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर राजेश वर्मा का फोटो भी लगा हुआ था। टीम को सूचना मिली थी बोरगंज इलाके में कहीं पे एक पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए न पैसे वो बांट रहे थे। सूचना मिलते ही FST टीम गई, सत्यापन क्या सही पाया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई लोगों का। जो प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता पैसा बांट रहा था, दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद जो होती है कार्रवाई होगी। विधायक बनाने मात्र का चुनाव भागलपुर के लिए नहीं, मैं 51 वार्ड आज पहली दफा घूमने नहीं जा रहा हूं प्रचार के नाम पर। मैं ऐसे भी 365 दिन हर वार्ड में घूमता हूं और जनसंपर्क के दौरान मैं पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि चाहे महिला हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे नौजवान साथी हो, हर लोगों का साथ और समर्थन भरपूर हमारे साथ है। और सभी लोग इस बार पार्टी, जात, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर डेवलपमेंट के नाम पर वोट देंगे। इस बार जो भी लोग इस का बयान भी सुना है और जनता के द्वारा जो मूल है कह रहे हैं कि जनता को पैसा बांट रहे हैं। मैं सब जगह घूम रहा हूँ तो पता चल रहा है तो लोग पैसे पर वोट नहीं करते हैं, जनता विकास के लिए इस बार वोट करेगी। चूंकि भागलपुर की सरकार बन रही है, जो भी पार्टी ने पैसा बांटा है, जो जैसा सुना है लोजपा प्रत्याशी और कोई श्रीमती कोई झा है, गुंजन झा जी है, वो पैसा बांट रहे थे और लोजपा प्रत्याशी पैसा बंटवा रहे थे। FIR ने तो साफ शब्दों में कहा है कि प्राथमिकता दर्ज की गई है,
लेकिन ये लोकतंत्र में यह जो पैसा बांटने का और लोग वोटर खरीदने की बात है यह बिल्कुल गलत है। इससे विकास बाधित होता है और बिल्कुल गलत है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई एसपी को करना चाहिए। भविष्य में भी कोई लोकतंत्र में जब चुनाव हो तो पैसे का कारोबार न हो। धन अगर भगवान ने किसी को दिया है तो आप चुनाव में मत बांटिए, ऐसे गरीबों का मदद कीजिए, औसत जिनको झोंपड़ी उनको घर बनवा दीजिए। लेकिन यह वोट खरीद के जो भी कर रहे हैं इस पर 302 का FIR होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत काम है, लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग को मना करना चाहिए कि पैसे का दुरुपयोग न करें और वोटों खरीदने काम नहीं करें। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सभी पदाधिकारियों से पुलिस के इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके और भविष्य में पैसे के बल पर कोई चुनाव लड़ने की जरूरत न कर सके।